सो बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड योर कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज या मैं कहूँ डिसीजन साइंस के बेस पे, हाउ यू विल डिफाइन लाइफ एंड एंड ह्यूमंस? जब हम कहते हैं न्यूटन ने 3 ग्रेविटेशनल लॉज दिए, उनके सिर पे आप एप्पल गिरा और उन्होंने लॉज दे दिए. सो आई वॉज रीडिंग समवेयर, जो हमारे वेद पुराण है उसमें एग्जैक्टली 3 श्लोक हैं एंड उन तीनों श्लोकों का मतलब एग्जैक्टली वॉट इज बीन डिफाइंड बाई न्यूटन. मतलब मैं हमेशा कई लोगों के पास कहता हूँ, लोग मुझे फनी भी कहेंगे, कुछ मुझे गाली भी देते हैं इस बात पर. मैं कहता हूँ जब न्यूटन के सिर पे सेव गिरा तो न्यूटन के अलावा तो कोई वहाँ था ही नहीं, तो ये बात किसने बताई? आप तभी दूसरों की श्रद्धा कर पाओगे जब आप खुद की श्रद्धा कर पाओ. मैंने बहुत फाइट किया, मुझे कुछ अंदर दिखता है और महसूस होता है जो कि स्पेशल है, तभी आप दूसरों की स्पेशलिटी को मान पाओगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑथेंटिकली अपनी स्पेशलिटी को माने और देखें और इज्जत दें. जो डिसीजन साइंस है, कैन यू प्रेडिक्ट दैट कि रशिया यूक्रेन का क्या होने वाला है? सो दैट मींस जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पिकिंग अप, दैट इज टोटली सिस्टमिक. सिस्टमिक आपका वो है, वैल्यूज है. दैट मींस मोर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मेक अस मोर इनह्यूमन. हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट. आपको पता है मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. रिसेंटली मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल बुक पढ़ी जिसका नाम है इनवैल्यूएबल. ये बुक हमको इन एंड आउट बताती है वेरियस फिलोसफीज ऑफ बिजनेस, ऑफ लाइफ और बहुत कुछ. एंड दिस बुक इज रिटन बाय सौमिक राहा. ही हिमसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, PhD. और आपने मुझे एक टर्म बताया था, डिसीजन साइंस. ही इज फ्रॉम डिसीजन साइंस. सो आई थॉट व्हाई नॉट हैव अ वर्ड विद सौमिक राहा एंड टॉक अबाउट दिस मोस्ट वैल्यूएबल बुक विच इज नेम्ड एज इनवैल्यूएबल. और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि इस बुक को आप पढ़ना ज़रूर. इट इज़ हैविंग लॉट मैनी एक्सरसाइज इन टू इट. ये आपको ना एक लाइफ का एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट देती है और हम सबको ना अपनी लाइफ को समझने के लिए कुछ इस टाइप की बुक्स की बहुत सख्त आवश्यकता है और हमें उनको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. तो वेलकम सौमिक टू आर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज, जहाँ हम बुक्स की बात करते हैं, बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की बात करते हैं. एंड वेल आई वॉज रीडिंग योर बुक, आई थॉट कि हर पेज में ना थ्योरी थ्योरी है. मैंने इतनी थ्योरी मैंने किसी बुक में नहीं देखी. सो इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग बुक. एंड वॉट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक पर्टिकुलरली? बिकॉज इट इज़ हैविंग, आप एक कोडर हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं. मैं कोडर था बहुत पहले, फिलहाल तो वो कि थोड़ा सा समय बीत गया है. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो व्हेन आई वेंट टू स्कूल, सो मेरा बैकग्राउंड है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस. तो मैंने प्रोग्रामिंग किया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट किया, फिर मैं एक जगह जाके अटका कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है. कि लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं आपके इंजीनियर से, आप किस आइडिया को फंड करेंगे और कितना फंड करेंगे? तो ये जो सवाल है ये बहुत ही स्ट्रैटेजी से उलझा हुआ सवाल है. तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी स्ट्रैटेजी पे. तो जितना पढ़ता गया पता लगा कि मुझे और भी सीखना बाकी है. तो मैं फिर से स्कूल वापस गया पढ़ने और फिर मास्टर्स जब किया मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से. तो उस समय में मुझे ये पता चला कि जो स्ट्रैटेजी की क्लासेस होती हैं वो आपको ये सिखाती है कि कोई जो फेमस बंदा है जैसे जैक वेल्श उस जमाने में, जेफ बेज़ोस या फिर अभी इलॉन मस्क, ये लोग कैसे सोचते हैं और ये लोग क्या डिसीजन लेंगे. लेकिन मुझे जो सवाल अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो कि मुझे क्या करना चाहिए. ये स्ट्रैटेजी की क्लासेस नहीं बताती. ये सिर्फ एक क्लास इस सवाल से अच्छे से जूझा, वो था डिसीजन एनालिसिस. और ये क्लास था कि मैं कैसे अपने लिए अच्छा डिसीजन ले पाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास, तो मैं इस पर गहराई पे चला गया. मुझे PhD शुरू की. PhD होता है कि आपको एक सवाल पकड़ना होता है कि आप किस एरिया में तहकीकात करना चाहते हो. तो मेरे सवाल बदलते गए एज नॉर्मल ड्यूरिंग अ PhD प्रोसेस. और फाइनली मैं एक सवाल पे जाके अटका कि वैल्यूज़ जो शब्द है वो मुझे समझ नहीं आती है. ये है क्या? सबको ऑप्टिमाइज करना है वैल्यू. आप बिजनेस पे जाओ, नॉन प्रॉफिट पे जाओ, सब इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें वैल्यू बढ़ाना है. तो जब वैल्यू बढ़ाना है तो कोई ये तो डिफाइन करे कि वैल्यू होता क्या है. तो मैं जब अपने एडवाइज़र से के पास गया, प्रोफेसर रॉन हार्वर्ड, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे अभी दोस्त हैं, और
उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो फिर वो मुझे बताया कि वे जब अंडरग्रेजुएट थे MIT में 50 साल पहले, तो एक बहुत ही अनोखे इंसान MIT में एक सेमेस्टर के लिए आए थे, नाम था रॉबर्ट हार्टमैन। ये कहानी है चैप्टर 3 में। तब तो हार्टमैन ने इस सवाल को पकड़ा और इस एंगल से देखा कि वो नाजी एरा से भाग के आए थे, तो वो चाहते थे कि ऐसी मैथमेटिक्स बनाए ऑफ वैल्यू ताकि कोई भी नाजी की तरह वो जो डिसीजन लिए गए थे वो दोबारा दोहराया नहीं जाए। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुम उनका काम देखो। तो मैं उनका काम देखने गया, तो आई वेंट टू अ वेरी डीप फिलोसॉफिकल होल, वो बड़ा मज़ेदार था। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर जब मैं निकला उस होल से तो देखा कि मेरा एक अनोखा एक डिस्कवरी हुआ था कि हार्टमैन एक लेवल तक पहुँचे थे कि कैसे सोचना चाहिए वैल्यूज के बारे में, पर मुझे जो देखा कि इसको अप्लाई करेंगे ना तो एक और लेयर निकलता है, वो है फीलिंग्स का लेयर, और वो फीलिंग्स आपको बहुत कुछ बताती है, और फीलिंग्स के बारे में हमें बहुत कम पता है और कैसे यूज़ करना है डिसीजन, वो तो बिल्कुल चर्चा ही नहीं होती है। तो धीरे धीरे जब मैं करता गया पीजी, जब ख़त्म हुआ तो एक टॉक हुआ था स्टैनफोर्ड में, तो वो हमारा 10th एनिवर्सरी था, तो उस समय सब कुछ हर एरिया से चुना गया था, तो मुझे अब डिसीजन एनालिसिस से चुना गया था। वो टॉक सुन के प्रोफेसर ने कहा कि ये तो कमाल का है, ये आप किताब लिखो इस पर। तो मुझे तब सबसे बड़ा अनुभव रहा कि अच्छा मैं किताब लिखूंगा तो उसको नाम क्या दूंगा, एज इफ दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट। तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम उसको इनवैल्यूएबल नाम दो। तो डिसर्टेशन का नाम था अचीविंग क्लैरिटी ऑन वैल्यू, जो कि सब टाइटल है, इनवैल्यूएबल है किताब का नाम। तो वहाँ से शुरुआत हुआ, पर उसके बाद 4 साल रिसर्च, फिर 12 साल लगे किताब को लिखने में। 12 साल लगे तो पूरा मिला के 16 साल। तो ये हर और 5 बार ट्राई किया, ये 5वां मैनुस्क्रिप्ट जाके जो बना, और ये भी मैनुस्क्रिप्ट इस तरीके से बना कि हमें बार बार इन द बुक राइटिंग प्रोसेस यू गेट डिस्करेज कि अच्छा इसमें इतना काम लग रहा है, शायद इट्स नॉट वैल्यूएबल, बट हर बार मैं इसको अप्लाई करता था इस किताब में जो आइडियाज़ हैं, और लोगों को बहुत ये मीनिंग ऑफ वैल्यू देता था कि वो अपनी जो वैल्यूज ब्लूप्रिंट है वो समझ पाते थे। तो फिर हर कॉन्वर्सेशन में एंड होता था कि तुम इस बारे में किताब लिखो। तो फाइनली लिखा जब 4th मैनुस्क्रिप्ट, तो फिर मैं प्रोफेसर हार्वर्ड के पास गई हूँ PhD एडवाइज़र के, तो वो पढ़ के बोले कि अच्छा सोमी तुम तो बहुत कुछ लिख रहे हो उसमें, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चीज़ तुम लिख रहे हो जो कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाई, वो है काउंटिंग, और काउंटिंग को ये तुम्हारी अनोखी है, ये तो मैंने सुना नहीं। तो मैं जब 5वीं बार मैंने अटेम्प्ट किया तो मैंने सोचा कि किताब का जो मेन मैसेज है वो है आपकी यूनिकनेस, तो मुझे भी ये किताब लिखनी चाहिए जो यूनिक है, बाकी लोगों की बातें मैं दोहराना नहीं चाहता, बट मेरी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उस पर मैंने फोकस किया वो कि काउंटिंग से टोटली कम्स आउट इन दिस बुक है ना, कि ये यूनिक है और ये हमने अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये किताब बहुत काउंटर कल्चर है, बहुत सारे किताब हैं जो कि आपको कहेंगे स्पिरिचुअल जो बातें हैं वो आप काम पे लाओ, ये उल्टी किताब है, ये कहती है कि आप जो मटीरियलिज्म की जो परिभाषा है आप और उसकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटेंट का रिलीजन, जो कि गिनना, आप गिनती से कैसे अपने आप को खोज सकते हो, ये बहुत ही कमाल का थॉट है। ये है किताब का मेन फोकस कि हमने मटीरियलिज्म को ठीक से समझा नहीं है, अगर हम तहकीकात करेंगे तो मटीरियलिज्म में जो मूल आइडियाज़ हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल है, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जब काम पे जाओगे आपके सामने होगा ये सब गिनती की जो कॉन्स्ट्रक्ट्स, आप उसी से इंस्पिरेशन को पकड़ सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। ये बहुत ही अनोखी काउंटर कल्चर रिवेलियस आइडिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, और यही है जो फाइनल मैनुस्क्रिप्ट। तो जो वैल्यूज़ हैं हर ह्यूमन बींग में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब आई डोंट थिंक कि अगर हम 800 900 करोड़ जितने भी लोग हैं किसी की भी वैल्यूज मैच करती होंगी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दिस वैल्यूज इन टू द काउंटिंग सिस्टम हाउ दिस विल वर्क। सो वैल्यूज जो शब्द है ना बहुत ओवर यूज हुआ है और हर इंसान उसको अलग तरीके से सुनता है। तो वैल्यूज जब हम यूज करते हैं वर्ड, तो मोस्ट कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि दीज आर कल्चरल नॉर्म्स, जैसे इंटेग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूनिवर्सल होती है।
फिर दूसरी होती है कि एक टेक्निकल कम्युनिटी है कि वो वैल्यू समझते हैं कि ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हैं फंक्शन, वो भी मैं नहीं बात कर रहा हूँ. मैं तीसरी एक सेंस है वैल्यूज की, वो है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में, वो है आपके वैल्यूज. मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि काम के नजरिए से प्रोफेशन में आपको सबसे अहमियत आप किस चीज पे देते हो. तो ये पता लगाना, सबसे पहले तो सवाल हम नहीं करते और सवाल जब करते हैं तो उसमें गाइडेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है. जैसे कि अब मैं एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूँ, तो नाजीज को अगर आप जाके पूछते कि आपकी वैल्यूज क्या है, तो बोलते कि हम जिन लोगों को हमें पसंद नहीं है उनकी जल्दी मार सकते, कैसे मार सकते, ये हमारी वैल्यू. तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे और एक्सेप्ट तो एक हिचकिचाहट होती है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसको इसके साथ एंगेज करने के लिए हमारे पास कोई थॉट फ्रेमवर्क नहीं है जजमेंट के सिवाय. आप बोलोगे कि आप यू ये तो बहुत ही वाहियात बात कह दी आपने, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप हमारे दोस्त नहीं बन सकते, ऐसे ख्याल आएंगे. लेकिन आप नॉन जजमेंटली इसको कैसे आप एंगेज करोगे कि ये गलत, ये थोड़ा उल्टा हो गया. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास भाषा नहीं है इसके साथ एंगेज करने में, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दुश्मनी का रास्ता. दुश्मनी का रास्ता तो देखती है उससे जंग होती है. और हमारे सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत लोग हैं जिनका उनको पता नहीं होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज हम लोग टाइम नहीं लेते हैं सोचने के लिए कि हम किसके लिए खड़े हैं. तो उनके साथ जूझने के लिए नॉन जजमेंटली एक दोस्ती के भाव से ये भाषा का इन्वेंशन जो है, यही इस बुक का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम कैसे सेफ्टी के साथ एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें और खुद से वार्तालाप कर सकें. सो बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड योर कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, या मैं कहूँ डिसीजन साइंस के बेस पे, हाउ यू विल डिफाइन लाइफ एंड ह्यूमंस? सो ये तो बहुत गहरा सवाल है. आई विल रीफ्रेम द क्वेश्चन अ लिटिल बिट. आई विल से कि आई विल डिफाइन वैल्यूज ऑन लाइफ इटसेल्फ. सो हार्टमैन का जो फ्रेमवर्क था वो उन्होंने इस तरीके से किया कि हम तीन डिमेंशन में वैल्यूज एक्सपीरियंस वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं. उनको हम एक्सियम्स मानते हैं. एक्सियम्स यानी प्रिंसिपल्स, कि दीज आर गिवन्स. ठीक है, आपको जैसे मैथमेटिक्स इज गिवन, अगर आप मानते नहीं हो तो आप यूज नहीं कर सकते. तो गिवन्स क्या है? एक है इंट्रिंसिक, जो कि अंदरूनी बात है. ये इट्स लाइक इट्स वैल्यूएबल इन एंड ऑफ इटसेल्फ. आपको कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एंड इट इज डिफाइन ऑन लाइफ. आप डिफाइन करोगे कि लाइफ इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. सेकेंड है एक्सट्रिंसिक, ये बाहरी है. सो इट इज सेपरेट फ्रॉम हु यू आर, लेकिन इट हैज अ स्पेस टाइम रियलिटी. लेकिन ये टेबल हैज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इसमें शोभा बढ़ाती है आपकी सुनी. ठीक है, सिस्टमिक है, कंप्लीटली आर्टिफिशियल, उसकी कोई रियलिटी नहीं है. हमारी पूरी जो काउंटिंग सिस्टम है, भाषा है, रिलीजन, सब जो भी सिस्टम्स है, ये है सिस्टमिक वैल्यू, ये आर्टिफिशियल है. अब ये अगर आपने डिफिनेशन मान लिया, तो हार्टमैन ने एक और कमाल की बात कही कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है इन वैल्यूज की. आपने अगर कोई भी चीज अपने अंदर महसूस किया कि आप ये इनसेपरेबल है, या आप अपने से जुदा नहीं कर सकते, वो है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन. ठीक है, अगर आप सेपरेट कर सकते हो, जुदा कर सकते हो, तो वो हुआ एक्सट्रिंसिक वैल्यू. और अगर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, एकदम ऑब्जेक्टिव है, तो वह सिस्टमिक वैल्यूएशन. ठीक है, अगर ये दो चीजें अगर आप मान लेते हैं ना, तो अब बड़ा मजे का काम हो सकता है कि ये नाजी के एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि हमें इन लोगों को जितनी एफिशिएंटली मार सकते हैं वही करना है, तो आप पहले देखो कि अच्छा, ये इंसान की लाइफ की बात हो रही है, ये हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू बाय डेफिनेशन. और आप क्या कह रहे हो कि मुझे इनको मारना है एफिशिएंटली. एफिशिएंसी इज अ सिस्टमिक कॉन्स्टेंट. ये हुआ सिस्टम, एकदम लीस्ट रिच. ये आप अपने साथ महसूस नहीं कर रहे. तो आपने ह्यूमन लाइफ, जो कि इनसेपरेबल है आपके अपनी एक्सपीरियंस से, आपने उसको एकदम नीचे कर दिया सिस्टमिक. इज दैट व्हाट यू वांट टू डू? जब ये सवाल उठता है, तब हमें लगता है कि अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया. अब नाजी की एग्जांपल तो एक्सट्रीम है, तो ये सब लोग कहेंगे कि हम तो वैसे नहीं है. अगर हम हर रोज ये काम करते हैं, कहाँ पे? पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स. आपको लगता है कि अच्छा, यहाँ पे एक दुर्घटना हुई, कितने लोग मरे? 10 लोग. अच्छा, कम है, ठीक है, 50 लोग हो जा रहा है. तो जैसे ही हमने किया ना, हमने एक इंसान जो कि किसी का बाप है, किसी की माँ है, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, जो उनको प्यार करते हैं,
आपने उसको एक्सट्रिंसिक भी नहीं बनाया, एक्सट्रिंसिक है कि वो आपके लिए कोई प्रैक्टिकल वैल्यू, आपने सीधा सिस्टमिक पे कर दिया कि वो एक नंबर है. भाई हम लोग हर रोज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है डीह्यूमनाइज हो जाता है. ये नॉर्मल ये होता है सबके साथ, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती कि हम इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं. तो एक बार अवेयरनेस आ जाए तो हम सोच सकते हैं कि क्या हम यही चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो हम कैसे गिने और क्या गिने. हमारी क्वेश्चन ही अलग हो जाती है और ऑफकोर्स आंसर्स तो डेफिनेटली अलग हो जाते हैं. सो दैट मीन्स जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पिकिंग अप, दैट इज टोटली क्या वर्ड बोला था आपने, सिस्टमिक आपका वो है वैल्यूज है. दैट मीन्स मोर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मेक अस मोर इनह्यूमन. सो इट डिपेंड्स, राइट. सो सिस्टमिक वैल्यू क्या है कि ये बहुत प्रैक्टिकल यूज है. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा नहीं. सो ये है मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हार्टमैन. हार्टमैन का अगर फ्रेमवर्क लोगे सिस्टमिक बहुत खराब लगता है. ये ऐसा नहीं करना चाहिए. किसी ने अगर बोला कि मुझे प्रमोशन ही मेरी यू नो आइडेंटिटी है, ये हुआ सिस्टमिक वैल्यू ऑफ अपनी लाइफ जो इंट्रिंसिक है, आपने उसको सिस्टमिक तरीके से देखा, ये गलत बात. लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ जो किताब में आती है कि कभी कभी जो अपनी स्पिरिट है वो आप काउंटिंग से महसूस कर सकते हो. उसको मैं न्यूमरस मेट्रिक बोलता हूँ. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरी बेटी जब एक स्कूल में थी, वो प्राइवेट स्कूल थी, फर्स्ट ग्रेड. तो आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस. Through numbers you can feel your spirit, है ना? हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो so वो स्कूल में थी तो हम लोग ऑलरेडी फीस भर रहे थे प्राइवेट स्कूल की, लेकिन उनका फंडरेजर भी था. अब फंडरेजर जब शुरू किया उन्होंने तो एक क्लास का कोऑर्डिनेटर उन्होंने फोन किया. वो भी एक पिता थे बच्चे का जो कि स्कूल में जाते थे. सो वो बोलते कि सो फंडरेजर का टाइम आया है, आपको भी देना है, क्या दोगे? आई मीन कैन यू डू इट? तो मुझे मेरा पहला रिस्पांस था कि बॉस मैंने तो फीस भर दी है और दिस ईयर इज अ हार्ड ईयर फॉर अस, आई डोंट थिंक आई हैव मच लेफ्ट टू गिव. तो एक स्केयरसिटी भाव से शुरू हुआ. तो वो बोले कि नहीं नहीं, आप कितना दे सकते हो वो मेरा कंसर्न नहीं है, हमारा मेट्रिक जो है वो है परसेंटेज पार्टिसिपेशन. वो इसलिए है कि हम कम्युनिटी को वैल्यू करते हैं, आप हमारी कम्युनिटी के हिस्से का हिस्सा, और वो आप एक्सप्रेस करो. आप $10 दो या $1,000 दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हो हमारे साथ, तो वो एक्सप्रेस आप करो, दिल से एक्सप्रेस करो और जो जाओ कम्युनिटी. ये जब बोले तो एक बोझ उड़ गया यू नो दिल से कि हाँ मैं तो हूँ, तो मुझे देना पड़ेगा. तो मैंने आई एंडेड अप गिविंग मोर देन आई थॉट आई वुड गिव. बट फिर मैंने नोटिस किया कि जब बोर्ड वो ट्रैक कर रहे थे ना वीडियो गेम टू स्कूल, तो वो अमाउंट ऑफ मनी रेज नहीं था. अमाउंट ऑफ मनी अगर होता तो फिर कोई छोटा होता कोई बड़ा होता, जिसके पास नहीं है वो मैंने तो कुछ दिया ही नहीं. लेकिन परसेंटेज पार्टिसिपेशन में सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन, हमें 100% रीच करना है, हम कोई सब कोई कुछ ना कुछ तो दे सकता है. तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, लगा कि ये मैं कम्युनिटी वैल्यू से जुड़ गया हूँ. इट आई कैन फील द मैटर. ये था एक एग्जाम्पल. मैं एक और देता हूँ कि एक थे जो कि चैप्टर आई थिंक 4 में आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड मिल्स. तो अफगानिस्तान में उनसे पूछा, वो सोच रहे थे कि हाउ डू दे जज द सक्सेस ऑफ द वॉर. तो उन्होंने बहुत सारी मेट्रिक्स ट्राई किए. एक था कि कितने एनिमीज को मारे, आप कितने लोगों को मार सकते हो, उनका उनका पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है तो दैट वाज नॉट इफेक्टिव. फिर दूसरा था कि आप एक जगह से दूसरी जगह सेफली जा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम था. तो ही फाइनली लैंडेड ऑन अ मेट्रिक कि कितनी यू नो वो सोचे कि अगर लोगों को सचमुच पीस मिल रही है तो वो अपने लड़कों को भेजेंगे स्कूल, लेकिन अगर इफ दे हैव गॉन मेनी लेवल्स बियॉन्ड दैट ऑफ सेफ्टी देन दे विल सेंड देयर डॉटर्स. सो ही पुट द मेट्रिक कि कितनी लड़कियां जा रही हैं स्कूल में, उससे पता लगेगा कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं. ये तो कमाल की मेट्रिक है, और वो भी एक सोल्जर के माइंड से आती है. तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुआ ये सुन के कि न्यूमिनस, ये न्यूमिनस जो शब्द है वो जो इंस्पायरिंग है. तो उन्होंने ही फाउंड दिस मैटर. और आप यू मे और मे नॉट अग्री विद द यूएस वॉर इन अफगानिस्तान, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू पॉलिटिकल, लेकिन उस इंसान के दिल से जो ये आई मैट्रिक वो सुन के मुझे उनके उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आया, और उनके काम के लिए, कि ये तो सरप्राइजिंग है, ये यू नो कोई सोच नहीं सकता. ऐसे ही स्टोरीज है किताब में कि कभी कभी ये होता है कि आपकी स्पिरिट शाइन करती है आपकी मैट्रिक्स के, तो ये कमत फिर मजा आता है.
But this value system and the accounting system, how this can be used in a day-to-day life? A common man ke liye, how he can utilize these things? So, ye bahut acha sawal hai. To aap jab jaoge kaam pe kar, to aap kya dekhoge ki kaam agar corporate mein ho, to profits, revenues, aise to aur danda lagega ki target meet karo. तो ये हुआ क्या हमारी भाषा में सिस्टमिक वैल्यू. तो सिस्टमिक वैल्यू का हमने क्या बताया कि इसके पीछे सबसे पहले आप जब सिस्टमिक वैल्यू देखते हो तो ये पूछना है कि ये क्यों है यहाँ. यूजली द गो अ गुड मैट्रिक इज वन दैट इज क्लियर. फजी है तो आप यूज नहीं कर सकते. बट ए यूजफुल मैट्रिक इज वन दैट ड्राइव्स प्रोडक्टिव एक्शन टुवर्ड वैल्यू क्रिएशन. तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सीधी सी एग्जाम्पल है कि वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. So the number two, like one to how many times did you brush, it is not equal to dental health. And in fact, you cannot even count dental health. आप देख सकते हो कि cavities कितने हैं. So अगर दो बंदे की एक the same number of cavities तो आप distinguish नहीं कर सकते. अब X-ray देखना पड़ेगा. But it's not that interesting because you're making it complicated. But the simplest thing you can do, सबसे आसान चीज़ जो है वो है कि आपने कितनी बार brush की. और ये जो मेट्रिक है ये एक्शन ड्राइव करती है और एक्शन से वैल्यू क्रिएट होता है. तो हमें पूछना ये है कि कौन सी एक्शन से वैल्यू क्रिएट होती है. तो ये हमारी जो मेटाफर्स हैं वो इंडस्ट्रियल एरा के हैं कि लिनियर, यहाँ ये किया तो वो आया. ऐसा नहीं होता, इनपुट एंड आउटपुट. हाँ, लेकिन अगर आप इनपुट एंड आउटपुट अगर आप सोचोगे कि गार्डन मेटाफर यूज करो कि आम, मुझे आम, अभी तो आम का सीजन खत्म हो रहा है इंडिया में, तो आम मुझे पसंद है, मुझे बहुत सारे आम चाहिए पेड़ से. तो ये सोच के आम नहीं उगने वाले. आम अगर उगाना है तो आपको ये सोचना है कि बीज कैसा है, सॉइल कैसा है, पानी मिल रहा है कि नहीं, किस सीजन में प्लांट किया है. ये सब सोच के आप लगाओगे, एकदम शिद्दत से आपने काम किया, तब भी लास्ट में आपको जाके सरेंडर करना पड़ेगा. नेचर शायद आएगी, शायद नहीं आएगी. तो ये है लाइफ. और अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो हम जब काम पे जाते हैं घर, तो ये पूछना चाहिए कि हमें कुछ पता है, हमारी एक इंट्यूशन होती है कि ऐसे करने से लोग अच्छा काम करते हैं, ऐसे करने से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका सेवा होगा. तो कौन से मैट्रिक से ऐसा ज्यादा हो सकता है, आप उस पर सोचो. और जो फाइनल जो आउटपुट है, जो रेवेन्यू या प्रॉफिट, वो अपने आप आ जाएगा. अगर आप सचमुच अपने वैल्यूज को डिलीवर कर रहे हो तो लोग आपको बचा के रखेंगे. आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप ये सोचो कि आप उनकी उनकी सर्विस कैसे बढ़ा रहे हो, आप इस तरीके से जिस जो आपको ऑथेंटिक लगे. दैट मीन जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि वैल्यू कितनी ऊपर नीचे है, ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की एथिकल वैल्यूज क्या है. हाँ, और उस कंपनी नॉट एथिक्स तो सभी होनी चाहिए, उस कंपनी की कमिटमेंट क्या है, जो उनकी यूनिकनेस है, वो जिस तरीके से सेवा करना चाहते हैं सेवा भाव से, वो कितना कमिटेड है उस पर. जब जब उनमें दुविधाएं आती हैं, शॉर्टकट लेने की टेम्पटेशन आती है, क्या वो शॉर्टकट लेते हैं या वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने वैल्यू से नहीं हटेंगे, हम सेवा करते रहेंगे इस तरीके से. आई थिंक दैट्स द रीजन, मतलब ऑल्दो रैंडमली मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, आई थिंक दैट इज द रीजन कि टाटा के शेयर्स हमेशा ऊपर रहते हैं, बिकॉज टाटा द कंपनी विच इज ऑलवेज नोन दैट दे आर दे स्टैंड ऑन देयर वैल्यूज. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. यस, आप जनरली देखो टाटा के शेयर्स में जो इन्वेस्ट करता है वो डूबता नहीं, जब मार्केट कहीं भी चला जाए एटलीस्ट यू विल कम आउट ऑफ दैट. ये अच्छी बात कही आपने. मेरा मानना है कि जो जो वैल्यूज को लेके चले लोग उनको पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि ये दुनिया से हट ना जाए, तो वो भी आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए. पर मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ. सो इसलिए मेरे किताब के एंड में ना आप जो देखेंगे कि डिसीजन, सो मेरी डिसीजन एज अ फील्ड है, बहुत बड़ी प्रिंसिपल है, you cannot judge a decision from the outcome. क्योंकि अगर आप कर सकते थे तो you will always make the right decision. Decisions are hard because आपको पता नहीं कि future में क्या होगा. Future में क्या होगा? वो principle रखते हुए आप क्या decision लोगे? तो मेरे warning है कि this book is dangerous. ये अगर आप पढ़ोगे you might stop comparing yourself to others. Financial wealth may no longer be a primary marker of success. You might count value very differently. You might even enjoy your work. इससे आपकी family शायद खफा हो सकती है. तो ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक किताब पढ़ो, डेंजरस है ये सोचने लग जाओगे ना तो आपको शायद मन की शांति मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल तो गारंटी नहीं है. वो तो जैसे कि आम के पेड़ की तरह. तो जो डिसीजन साइंस है, कैन यू प्रेडिक्ट दैट कि रशिया यूक्रेन का क्या होने वाला है? जो ये मेरा फील्ड नहीं है,
लोग डेफिनेटली इसको स्टडी करते हैं, डिसीजन एनालिसिस यूज करते हैं इस पे. सो प्रेडिक्शन जो आप कह रहे हो, प्रेडिक्शन एक चीज होती है और दूसरी होती है कि अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी के साथ आप जुड़ोगे तो कौन से डिसीजन से आप रोबस्ट रहोगे? रोबस्ट मतलब अगर ऐसा हुआ तो भी ठीक है, वैसा हुआ तो भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए. सो उस तरीके से यूज होता है कि हम प्रिपेयर रहते हैं कि जितना हम सोच सकते हैं उतना ही हम कर सकते हैं. अगर हम सोच नहीं पाओगे तो दैट इज द लिमिट ऑफ योर रैशनैलिटी. सो दैट्स ओके, दैट इज नॉर्मल फॉर एवरी ह्यूमन. व्हाइल आई वाज रीडिंग योर बुक, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आई वाज थिंकिंग एक नास्त्रदमस है जो बहुत फेमस है कि ही हैज डन अ प्रेडिक्शन फॉर आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स ही हैज डन इट. सो मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि नास्त्रदमस मे बी ही वाज एट दैट टाइम वाज अ डिसीजन साइंटिस्ट और समथिंग. उन्होंने बहुत सारे कोरिलेशंस के बेस पे ही वुड हैव प्रेडिक्टेड थिंग्स. अगर वो इतने बड़े ज्ञानी होते या क्या बोलना चाहिए उस वर्ड को, प्रेडिक्टर थे वो, तो उनकी सारी बात सही होती, बट सारी बात सही नहीं होती. दैट मीन ही वुड हैव डन सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन साइंस इम्प्लीमेंटेड ऑन वेरियस थिंग्स एट दैट मोमेंट, जो उनकी कहीं ना कहीं जाके कुछ फिट बैठ गए. इंटरेस्टिंग सवाल है. तो मैं ये कहूँगा कि हम एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी से डिफर करती है. तो नॉस्ट्रोडामस को मैं एस्ट्रोलॉजी के बकेट में डालता हूँ कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया और उसकी वैलिडिटी होती है कि डिड द फ्यूचर मैच आउट टू व्हाट ही सेड और नॉट. दैट इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एनी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है. लेकिन डिसीजन एनालिसिस डिफरेंट. डिसीजन एनालिसिस ये है कि आपने निर्णय जो लिया, इज दैट consistent with your values? Is that based on the most creative alternatives you could come up with? Is that based on the best information you could have? Aur agar in sab cheezon ko aapne logically connect karke, integrate karke decision liya, then that's a good decision. Aur aapne carry out kiya, aapne sochte hi nahi reh gaye, aapne execute bhi kiya. So these are the six requirements of a good decision. So aisa bhi ho sakta hai ki aapne acha decision liya aur bahut bura outcome hua. Jaise main ek udaharan deta hu, we all know कि drinking and driving is a bad idea, bad decision. लेकिन आप अगर drink करके गए तो घर पे आप you can reach home safe. That's a good outcome. That doesn't mean your decision was good. Same way you can drive sober. That's a good decision. लेकिन you could crash. That's a bad outcome. That doesn't mean you should stop driving sober. Right? So decision analysis is about on making principle based decisions. Outcome जो भी हो, उससे आपकी decision कभी खराब भी नहीं हो सकती, अच्छी भी नहीं हो सकती. डिसीजन की जो टेस्टिंग है, जजमेंट है, बिफोर द आउटकम होती है, नॉट आफ्टर द आउटकम. योर बुक टॉक्स अबाउट एवरीथिंग एंड नथिंग. यस, देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर अबाउट इट. सो माय क्वेश्चन वुड बी लाइक, ये कॉन्सेप्ट जो है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट शेप्स अवर वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तो आप शुरू, लेट्स स्टार्ट विद नथिंग. हाँ, व्हाट इज, आई विल से कि ऑडियंस को एवरीथिंग और नथिंग के बारे में थोड़ा पता है. तो इंडिया को कहा जाता है लैंड ऑफ जीरो, हमने इन्वेंट किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडियंस को समझना कि यूरोप में ना जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो बेचारे वो रोमन न्यूमरल्स में अटके हुए थे, तो वहाँ पे एडिशन वाज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए कंसल्टेंट्स को लगाया जाता था कि भैया ऐड करने की किसी में क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, तो ये कंसल्टेंट्स करते थे. और फिर जब अब उनको हिंदू आयुर्वेद न्यूमरल्स जो बोलते हैं, जब वो आया तो उन्होंने रेजिस्ट किया, बोले कि ये क्या है, हमारी नौकरी चली जाएगी. तो उन्होंने बैन कर दिया यूरोप में. फिर टाइम लगा यूरोप को एक्सेप्ट करने में और फाइट भी हुए उसके ऊपर. लेकिन हमारे यहाँ तो ये शुरुआत से आता है. तो अगर आप देखेंगे ये आइडिया कहाँ से आया, हम तो सीखते हैं. सो एक बार मैं बता दूँ कि हमारी जो वेद है, तो वेद में एक श्लोक है जो हम रिलीजियसली यूज करते हैं, लेकिन आप उसको रिलीजियसली अगर उसके बाहर निकल के मैथमेटिकली देखेंगे और कंप्यूटर साइंटिस्ट के मन से देखेंगे, हाँ, तो वो है कि पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. यानी कि दैट इज होल, दिस इज होल, फ्रॉम दैट होलनेस कम्स दिस होलनेस, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. फ्रॉम दैट, फ्रॉम होलनेस, इफ यू रिमूव होलनेस, व्हाट रिमेन्स इज होलनेस. अब ये जो वर्ड होलनेस है, इसको आप पैरामीटराइज कर लीजिए और इसको हम देखते हैं कि होलनेस की सिंबल क्या है. हर कल्चर, नॉट जस्ट इंडिया, हर कल्चर, हर रिलीजन में होलनेस का सिंबल होता है सर्कल, नो बिगिनिंग नो एंड, और इट इज द सेम सिंबल फॉर नथिंग, जीरो. तो अगर आप इस श्लोक को, इस पोएम को पैरामीटराइज करके नथिंग में रिप्लेस कर दें, फ्रॉम नथिंग कम्स नथिंग, वन ऑफ द लाइन्स, दैट इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स. अगर इसको आपने वायलेट किया तो फिजिक्स नहीं बन सकता.
और फिर अगर नथिंग होलनेस को आपने रिप्लेस करके जीरो से, तो ये बन जाता है फ्रॉम जीरो, इफ यू टेक अवे जीरो व्हाट रिमेन्स इज जीरो. ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इक्वेशन इन श्लोका फॉर्म, एंड आप डेट कर दीजिए वेद की, ये तब से आ रहा है. तो ये कमाल की बात है कि किसी ने तो सोचा होगा कि पूर्णम और शून्यम एक ही दो पहलू में एक ही आइडिया है. तो अच्छा, आप इंडियन कल्चर से नहीं हो तो ये एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन आप क्लास तो सब स्कूल तो सभी जाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में क्या पढ़ा जाता है कि जीरो, यू ओनली गेट जीरो व्हेन यू ऐड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. आपने एक भी नंबर को छोड़ा तो आपको जीरो नहीं मिलेगा. तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, अच्छा सो इज जीरो फुल और इज इट एम्प्टी? तो पहली बार वो सोचते हैं कि हाँ, वी यूज्ड टू थिंक इट वाज एम्प्टी बट नाउ वी थिंक इट इज आल्सो फुल. ये कमाल की बात है. ये आपकी करंट मैथमेटिक्स, आपको कुछ नया नहीं सीखना है इस किताब से, सीख चुके हो, लेकिन हमें होनी चाहिए जो एक जॉय होनी चाहिए. ये क्या बात है, ये किसने सोचा है और कैसे सोचा है, ये हमें बताया नहीं जाता कि इस लोग को थोड़ा सोचो. ये हमारी जो मटेरियलिस्टिक अकाउंटिंग है, ये उसका मूल आधार है, जो कहते हैं इट्स द फाउंडेशन. इसी से होती है हमारी बिट्स एंड बाइट्स. इसके बिना आपकी कंप्यूटर नहीं हो सकती, है ना. और वो भी कंप्यूटर आप देखोगे वोल्टेज से होती है. सो एक वोल्टेज का हम कहते हैं ये हुआ जीरो और दूसरा होता है वन. तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिस्टमिक वैल्यू है, और उससे हमने क्या दुनिया खड़ा कर दिया है. तो काउंटिंग इज अमेजिंग. काउंटिंग के बिना आप क्रिएट नहीं कर सकते हो. ये मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर है हार्टमैन से. हार्टमैन था कि थोड़ा सीरियस थे कि यू नो ये गलतियां ना हो. तो मेरा है कि एक आनंद है, और हमारी जो कल्चर है, जो एक श्लोक आता है, दो ही श्लोक है इस किताब में, उसी की मेडिटेशन है. एक है ये पूर्णम और शून्यम, और दूसरा है कि यू आप ये जो श्लोक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सन, आप उस जगह जाना चाहते क्रिएटिविटी का, और वो जगह जो एकदम क्रिटिकल, जो सेंट्रल है, वो आप पहुंच नहीं पाओगे मन से या स्पीच से, इट इज नॉट रीचेबल. तो कैसे आप पहुंचोगे? तो आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, अगेन आई एम इंटरप्रेटिंग इट फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस यू नो लॉजिकल लेंस, कि जो विद्वान है उसको वो आनंद से जानते हैं. ब्राह्मण द क्रिएटिव फोर्स. तो आप ब्रह्मानंद बोलते थे पहले. हाँ, जो आनंद आता है वो अगर नहीं है तो आप क्रिएटर नहीं हो. और अगर क्रिएट करना है तो आपको ये पता लगाना है कि आपको आनंद कहाँ से आता है. इट इज नॉट मिस्टीरियस. हर इंसान को ना, अगर आप वैसे काम पे जुड़ जाओ, आपको आनंद देगा. ऐसा नहीं कि वो पैसे देगा या फिर यू नो लाइफ विल बी इजी, लाइफ मे बी स्टिल डिफिकल्ट, बट एक आनंद आएगा. तो वो कैसे आप पकड़ सकते हो? और वो काउंटिंग से एक्सप्रेस करना इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बुक, कि वो आप मैट्रिक्स पे जाके अटैच कीजिए, ह्यूमनस मैट्रिक्स, तो आपकी जो दुनिया है वो बदल जाएगी. आपको जॉब नहीं चेंज करना, आप वही जॉब पे जाओ, लेकिन जो नंबर्स आपके सामने डांस कर रहे हैं उसमें मीनिंग होगा. वो आपकी लाइफ फोर्स निकाल नहीं देगी, वो आपको बढ़ाएगी. ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोग आते हैं बहुत डिप्रेस होते हैं काम पे, क्योंकि वो लगता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मुझे काम के बाहर ही मीनिंग आनंद ढूंढना है. तो मैं उस पर बगावत करता हूँ इस ख्याल से. ये पॉसिबल है, आपके काम पे जाके आप इंस्पायर हो सकते. आपने जो श्लोक्स की बात कर रहे थे ना, कि वेदों पुराणों में कब से दिया हुआ श्लोक, तो मेरे को दिमाग में एक बात आई. आई क्रिएट अ वीडियो ऑल्सो ऑन दिस. जब हम कहते हैं न्यूटन ने तीन ग्रेविटेशनल लॉज दिए, उनके सिर पे आप एप्पल गिरा और उन्होंने लॉज दे दिए. सो आई वॉज रीडिंग समवेयर, जो हमारे वेद पुराण है उसमें एग्जैक्टली तीन श्लोक हैं, एंड उन तीनों श्लोकों का मतलब एग्जैक्टली वॉट इज बीन डिफाइंड बाई न्यूटन. अच्छा, ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है. आई हैव नरेटेड दोस श्लोक्स. अगर आप श्लोक्स का इंग्लिश इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इट्स एग्जैक्टली सेम व्हाट न्यूटन हैज गिवन. सो मे बी, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि न्यूटन साहब ने हमारी कल्चर हमारे एंशिएंट्स ने इतनी सोच लगाई है हर चीज में लगाई है कि अब एक श्लोक को लेके पूरा लाइफ, मतलब मैं हमेशा कई लोगों के पास कहता हूँ, लोग मुझे फनी भी कहेंगे, कुछ मुझे गाली भी देते हैं इस बात. मैं कहता जब न्यूटन के सिर पे सेव गिरा तो न्यूटन के अलावा तो कोई वहां था ही नहीं, तो ये बात किसने बताई? वो भी आई थिंक स्टीवन हॉकिंग ने कहा कि वो थोड़ा फिक्शन है. न्यूटन ने बहुत काम किया और बहुत रिसर्च किया, बहुत सोच के बाद वो निकला. बट व्हाट आई हैव स्टडीड दैट न्यूटन वाज आल्सो गुड इन रीडिंग संस्कृत. ये न्यूटन हैज रेड ऑल दीज थिंग्स एज वेल. और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, बिकॉज
जो वेदों पुराणों में जो श्लोक दिए गए, हाउ इट्स पॉसिबल दैट वो एग्जैक्टली मैच करते हैं. आई विल शेयर यू दैट दोस्तों श्लोक्स मेरे पास हैं वो. अनदर थिंग व्हाट कम्स इनटू माय माइंड बिकॉज अभी हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं बहुत बड़ी. एक थ्योरी है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको हम कह सकते हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम टेक्नोलॉजी साइड एंड यू आर फ्रॉम द फिलोसॉफिकल साइड. आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हो. तो एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि वी ऑल आर लिविंग इन अ सिमुलेशन. मतलब मैं तो उसको और थोड़ा वाइडर वे में देखता हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ एम एन इंजीनियर. सो मैं भी सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हम हर ह्यूमन बींग का डी एन ए डिफरेंट है. सेम लाइक द आई पी नेटवर्क, एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज हैविंग अ डिफरेंट आई पी. दैट मीन्स अब उसको आप एलियन कह लो, गॉड कह लो, बट आई फील दैट देयर इज समथिंग जो इन सारी आई पीज को कंट्रोल कर रहा है. एंड ऑल दीज आई पीज आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. एवरी ह्यूमन बींग इज एन आई पी एड्रेस विच इज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. और उनको कंट्रोल करने वाला एक दूसरा स्विचिंग सेंटर है विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. और उस स्विचिंग सेंटर के हिसाब से उनको जब लगता है कि हाँ भाई ये सिस्टम अब ओल्ड हो गया है या इस सिस्टम की अब नीड नहीं है, तो दे स्विच ऑफ दैट आई पी. सो ऑल दो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक से भी काफ़ी अलग है, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू एज एज अ फिलोसफिकल क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च, इज दिस सिमुलेशन थ्योरी कैन बी अ रियलिटी और दिस इज जस्ट मेरे मन का ख्याल है? इसका दो लेवल पे मैं आंसर डिसीजन लेने के लिए इट्स हेल्पफुल टू यूज थॉट एक्सपेरिमेंट्स. कि हमेशा फॉर इंस्टेंस प्रैक्टिकली जो दो समुदाय में अगर जंग छिड़ रही है या फिर किसी को बहुत गुस्सा है किसी और कम्युनिटी के साथ, तो एक अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है कि कोई मार्स से आया तो उनको क्या लगेगा कि अच्छा दो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं. वो कहानी जो है इज दैट कहानी आप जो भी बोल लो अल्टीमेटली यू आर मर्डरिंग ईच अदर. ओके, सो ये जब ऐसे देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं. सो इट इज हेल्पफुल समटाइम्स. सो थॉट एक्सपेरिमेंट्स आर इंटरेस्टिंग, आई विल से दैट इज नंबर वन. सेकेंड, ऐसा है कि नहीं इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो मेरी किताब में जो चैप्टर 2 है वो कॉजैलिटी में जाती है, गहरी निसर्गता की डीपनेस होती है. और कॉजैलिटी जो है बहुत एक एडिक्शन है, ह्यूमंस की सबसे बड़ी एडिक्शन है. कि हमें लगता है कि हमें पता है कि ये यहाँ से ये इस ये हुआ इसलिए वो हुआ, लेकिन निसर्गता जो बोलते हैं वो है कि कॉजैलिटी इज अ मेंटल कैटेगरी. तो ये हमारे माइंड से प्रोजेक्टेड है. तो ये आप यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट, बट हमेशा देयर इन द रूम समबडी स्मार्टर विल बी देयर जो कि आपसे भी बेटर स्टोरी बना देगा. तो इससे थोड़ी आई लाइक दिस फ्रेज कॉजैलिटी इज अबव माय पे ग्रेड, कौन जाने. और ये जो अनोखी बात है, अगर आप इंडियन साइकोलॉजिस्ट, मैं उनको फिलोसोफर भी नहीं बोलूंगा, मैं उनको साइकोलॉजिस्ट बोलूंगा, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से समझा और कि क्या कमाल का बात उन्होंने कहा एंड में, कि सारे पेपर एंड में बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है शायद वो ऊपर वाला ही जानता है या फिर शायद वो भी नहीं जानता कि हो क्या रहा है. ये कितना हम्बल स्टेटमेंट है. वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन. हमारी जो नॉलेज है इतनी कम है, इतनी कम है कि जो रियलिटी है इतनी वास्ट है. वो अगर हम एक मिनट भी सोचेंगे अरे आप प्रेयर को कितना नहीं पता. सो दैट इज द अदर थिंग आई विल से. और तीसरी बात ये है, आपने योग वशिष्ठ पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, सुना है. डेफिनेटली रिकमेंडेड. आप जो कह रहे हो ये जो थियरी है सिमुलेशन, ये दिस इज द सेंट्रल थीसिस ऑफ योग वशिष्ठ. और इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हम जो बात कर रहे हैं ये किसी के माइंड में सिमुलेशन चल रहा है और जिसके माइंड में चल रहा है वो भी किसी का सिमुलेशन है एड नॉजियम. दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर अ ब्लैक मिरर, इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हम्बल्स यू कि वी टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली ऑल द टाइम, राइट. शायद वी विल बी काम डाउन कि भैया अगर किसी के माइंड में सिमुलेशन है व्हाई आर यू टेकिंग इट सो सीरियसली. कैन वी टेक अ पॉज, नॉट गेट ट्रैप्ड इन आवर स्टोरीज. खालीपन
सो एम्प्टीनेस इज नॉट खाली पर, एम्प्टीनेस इज जैसे कि आपको कोई बीज, ये तो उपनिषद पे एक महान स्टोरी है कि पिता बेटे को कहता है कि एक सीड, सीड में कोड़ों में क्या है, तो कुछ तो है नहीं, तो उसी सीड से इतना बड़ा पेड़ कैसे बना, तो कुछ तो है. तो इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इन अ सेंस इज एम्प्टी, ये कोई नहीं बता सकता है क्या, लेकिन सब यू नो अगर आप थॉट से एंड तक जाओगे, यू आर सीइंग मैथमेटिक्स में हम बता रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट साइंस, नथिंग न्यू, जीरो इज लाइक एवरीथिंग यू ऐड, ये तो फुल हो गया. एंड लेकिन वो जब जीरो एंड यू ऐड एवरीथिंग वो हो गया शून्य, तो ये आपको अनुभूति करना पड़ेगा कि है क्या. और जब सो द वे ऑफ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी डूइंग द जो किताब में है कि वैल्यू मैपिंग, कि हम एक दूसरे को अगर किसी की वैल्यूज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सुनने वाला है उसको अपने हार्ट को एम्प्टी बनाना पड़ेगा. मैं आपको अगर जज कर रहा हूँ तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, तो मुझे खाली होना है. और जब मैं खाली हो जाता हूँ ना, किस चीज़ से खाली हो रहा हूँ, गंदी थॉट से, गंदे ख्याल से, छोटे ख्याल से, तो तब मेरे घड़े में जगह है फुल होने, तो मैं तो अपनी फुलनेस को पहचान पाऊंगा मैं, और मेरे फुलनेस से मैं आपकी फुलनेस को पहचान पाऊंगा. तो मैं इसको कहता हूँ कि हाउ डू यू लिसन फॉर गोल्ड, हाउ डू यू लिसन फॉर गॉड. सो दोनों एक ही चीज है, एल डाल दिया तो गोल्ड हो गया, और गॉड लोअर केस जी, नॉट अपर केस. कि हम हर इंसान जो है, अगर आप सोचोगे कि दे आर द गॉड ऑफ समथिंग, तो मैं एथिस्ट स्टैंडपॉइंट से अगर मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज गॉड, गॉड इज 100% कमिटमेंट टू अ नैरो वैल्यू. अगर आप हमारे इंडिया में यू नो हिंदुइज्म में देखें, एवरी गॉड स्टैंड्स फॉर समथिंग. और आप भी एज एन यू नो इंसान हो के देर इज सम, अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके पास है, बट वॉट एवर द थॉट एक्सपेरिमेंट, आप सोचें कि कुछ तो वैल्यू है जब मेरे लाइफ में आई एम स्ट्रगलिंग, कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाया इस वैल्यू के लिए, जो भी है मेरी, माई रिवर ऑफ जेनरोसिटी विल ओवरफ्लो, कुछ मैं दूंगा ये वैल्यू. आप उस वैल्यू के गॉड होंगे. और अगर आपने अपने अंदर ये वैल्यू पहचानी, तो आप दूसरे की भी पहचानने की क्षमता रखते हैं कि दूसरा जो आपसे एकदम भिन्न हो, आपसे आपके विरोधी ख्याल रखता हो, वो किस वैल्यू का गॉड है. अगर आप सुन पाओगे तो आपके दिल में उसके लिए श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा आए तो हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे. अभी करंटली सोसाइटी में हमारे पास वो लैंग्वेज स्किल सेट है नहीं कि हम आपसे एकदम विपरीत ख्याल वाले से कैसे हम श्रद्धा से बात कर सकें. तो ये मैकेनिज्म है कि आप ऑथेंटिक, ये इंटेलेक्चुअल बात नहीं, ऑथेंटिक फीलिंग आएगी रिस्पेक्ट की अगर हम इस तरीके से सुन पाए. पर ये जो फीलिंग है सोचने की और समझने की, क्या ये हमारे एक्सटीरियर फैक्टर्स से वेरी करती है? आई एम कोटिंग फ्रॉम योर बुक ओनली. आपने महाभारत की बात की है. मेरा एक परसेप्शन है कि महाभारत जब लिखी गई, तो क्योंकि वो पांडवों के फेवर में लिखी गई, वी परसीव इट लाइक पांडवाज एज हीरो एंड कौरवाज एज विलन. पर अगर आप उसी बुक को आप कौरवों की तरफ से लिख के देखो, यू विल फील लाइक पांडवाज एज विलन एंड कौरवाज एज हीरो. सो हाउ योर science and your book defines this? It's a very good question. So I think first of all people should always ask those questions and critically apne, just because maa baap ne kaha ya chacha chachi ne kaha, maana nahi chahiye. Hamari jo sanskriti hai, it's a questioning sanskriti. You have to ask. So unless you are convinced, you should not accept. Second I will say is, you know, you can make endless arguments in your mind and we can be lost in those arguments. So what guides me is the question of value. So, इस किताब की फ्रेमवर्क को अगर आप लेखनी है, तो इज लाइफ वैल्यू इंट्रिंसिकली, तो अल्टीमेटली यू कैन नॉट जस्टिफाई कि इट वॉज अ हॉरिबल वॉर, और उस वॉर में यू कोई बचा ही नहीं, तो इट वॉज टेरेबल. लाइक यू नो आई हेट द वॉर, लाइक द वॉर हैपेंड, इफ इट इज लाइक एक्सेप्टेड हिस्टोरिकली, और अभी आज की टाइम पे अगर ऐसे वॉर्स हों तो इट्स अ टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ. और ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान ने एक सिस्टमिक वैल्यूज बनाए हैं, और दे हैव डिसाइडेड कि वो सिस्टमिक वैल्यूज आर वर्थ डाइंग फॉर और किलिंग समबडी फॉर. तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये कितना, हाउ ट्रू इज दिस. तो हाल ही में मैंने एक बहुत सुंदर मूवी देखा, जापानीज में है, डोंट लूज योर हेड, जापान से आ रहा था तो फ्लाइट में था ये मूवी. तो ये उन्हीं की, लाइक टू योर पॉइंट, एक फेमस मूवी है 47 रोनिन की. दो साइड फाइट कर रहे होते हैं, एक साइड की लीडर को मार दिया तो उनकी जो सामुराइज है, दे आर जॉबलेस, तो उनको बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं. उनकी इज्जत के लिए
they want to kill the other side. तो उन बहुत अच्छा ड्रामा होता है. दैट इज अ नॉर्मल स्टोरी. यू डोंट लूज योर हेड. उस ड्रामे को पलट के बोलता है कि वॉट इफ जो यू नो यहाँ पे अगर थोड़ा ह्यूमर डाल दें तो जो जिसने द पर्सन हु कॉज द डेथ ऑफ द अदर साइड वॉट इफ दैट पर्सन वॉज रॉन्ग. और उसका एक भाई होता है जो कि मंक है. उसकी वैल्यूज अलग है. एंड दिस मंक फील्स की लाइफ इज इम्पॉर्टेंट. नो मार्क यू नो डजंट वॉन्ट द ब्लडशेड टू हैपन. तो उसकी एक्सपीरियंस है कैसे स्टोरी एंड स्टिल फिटिंग द फैक्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट दैट कि लाइफ अगर वैल्यू करते हो तो आप क्या डिसीजन लोगे. और इसमें कृष्णा का जो स्टोरी दिया है महाभारत में उनका जो यार्ड स्टिक है इज लाइफ इज सैक्रोसैंक्ट. वो उनका कहना था. ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है कि ये इंडिया में यू नो हमेशा से कहते हैं कि हजार यू नो लाइज आर बेटर देन वन ट्रूथ दैट हर्ट्स. तो हम लोग बहुत जल्दी लाइज भी कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है. बट वो क्या कहना चाह रहे थे. वो कह रहे थे कि वो स्टोरी जो आती है कि किसी कोई डकैत इनोसेंट पर्सन को चेज कर रहा है और वो छुपा है आपके घर में और किसी यू नो महान व्यक्ति के घर बता देता है. और जो वहां पर वो हमेशा सच बोलता है. कहाँ है वो. यहाँ तो कहानी क्या है कि उसने ऐसा क्यों कहा. उसके मन में था कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा. स्वर्ग क्या है. सिस्टेमिक वैल्यू कि मुझे एक प्रमोशन मिल गया. उसके ही डिडंट केयर अबाउट दिस इनोसेंट. वो चाहता है कि मेरे लिए अच्छा हो. तो इसने उसकी लाइफ कदर नहीं की. कृष्णा कहें कि गलत है. एंड इज वेरी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्टमैन. हार्टमैन कह रहे हैं कि लाइफ को अगर आप सैक्रोसेंट करोगे तो ये जो प्रमोशन की बात है स्वर्ग की ये आप नहीं केयर करोगे. आप उस लाइफ को बचाने के प्रयास करोगे ना. कुछ लोग हैं कि उनको क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव नहीं सूझा तो वो झूठ बोल देंगे. कुछ लोग हैं कि उनको सूझा तो ठीक है. यू नो सबका अपना अपना तरीका होता है. लेकिन लाइफ को अगर आपने अहमियत दी तब यू मेक वेरी डिफरेंट डिसीजंस. एंड ये लेसन महाभारत में बार बार आती है कि लाइफ को अगर आपने नहीं रिस्पेक्ट किया तो फिर जो व्यवस्था है वो टूट जाती है और वो भयानक हो जाती है. एकदम भयानक. तो लाइफ को हमेशा सामने. और इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमें गुस्सा आता है. बच्चों पे गुस्सा आता है. तुमने क्यों तोड़ा मेरा फोन को खराब कर दिया. ये सब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है. लेकिन बच्चे का तो लाइफ है. यू नो यू हैव टू एंगेज विद दैट लाइफ एनर्जी एंड से कि इन यू नो हाउ मच कैन यू एक्सपैंड योर स्पेस. तुम्हें गुस्सा ठंडा. मेरी एक बुक है चैरियट्स ऑफ महाभारत. इन दैट बुक मैंने पांडव और कौरव की कहानी नहीं लिखी. आई हैव रिटन द स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट फैमिली जो पांडवों के कोर्टयार्ड में कोर्टयार्ड थे. तो दे लिव्ड अलोंग विद देम. बट स्लोली स्लोली हाउ द पांडवा एंड कौरवा सेपरेटेड देयर फैमिली ऑल्सो सेपरेट्स. तो उसमें एक लास्ट में मतलब आई लव दैट बुक अ लॉट. ऑल दो मैंने बहुत पब्लिसाइज नहीं करी. मेरी सेकेंड बुक थी. ज़्यादा चली भी नहीं. बट आई ऑलवेज लव दैट बुक क्योंकि उसमें ना एक चैप्टर है लास्ट में वेयर कृष्णा ने अपनी पूरी सेना जो है वो कौरवों को दे दी. दुर्योधन को दे दी. सो माई थॉट प्रोसेस वॉज क्या ठीक है जो कृष्णा मतलब कृष्णा के लिए तो लोग मतलब पागल थे ना. तो इतनी बड़ी सेना जो कृष्णा के पागल थी वो दुर्योधन के पास चली गई. वो सेना आखिर कैसे लड़े कृष्णा के खिलाफ कैसे लड़ सकती है. हथियार कैसे उठाएगी. सो उस बुक में ही दिखाया है कि मतलब वो चले तो गए बट दुर्योधन वॉज वेरी मच वरीड कि यार ये सेना तो इतनी बड़ी आ गई पर ये तो कोई लड़ने तैयार ही नहीं है. इनका तो माइंड सेट ही नहीं है कि लड़ेंगे कैसे. तो मेरी बुक का जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट है ही उसको ये प्रेजेंट ऐसा किया गया कि वो था तो वॉरियर्स की फैमिली से बट वो वॉरियर नहीं था. उसकी बॉडी फिजिक वॉज नॉट लाइक अ वॉरियर. ही वॉज मोर इन टू ड्रामा नौटंकी ये सब कर रहे हैं. सो दुर्योधन एंड ही वॉज इन टू अ टोटली इन दैट मोड ऑफ कौरव. मतलब उसकी पूरी फैमिली वॉज टूवर्ड्स पांडव बट उसका माइंड सेट वही था जो मैं आपसे कह रहा था ना. बट ही वॉज लुकिंग पिक्चर ऑन फ्रॉम अदर डायरेक्शन. उसके लिए था कि कौरव सही है. कौरवों ने कोई गलती नहीं. सो ही मीट्स दुर्योधन और वो दुर्योधन से कहता है कि मैं लड़ तो नहीं सकता. मैं इतना सक्षम नहीं हूँ पर मैं आपकी सेना को मोटिवेट कर सकता हूँ. सो इन दैट लास्ट चैप्टर ही एक्चुअली परफॉर्म्स वेरियस नृत्य नाटिका. छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएँ करके ही मोटिवेट्स दैट सेना टू फाइट अगेंस्ट कृष्णा. सो ऑल्दो दैट इज फिक्शनल बट आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दोज वैल्यूज की यार उन वैल्यूज में कौरवों की थॉट प्रोसेस को दिखा सकूँ. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम बहुत जल्दी ना जज कर लेते हैं लोगों को. तो ये देखेंगे आपकी प्लास्टिक पैकेजिंग का कहानी है फिर जनरल है जो आर्मी में है. तो बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि ये खराब प्रोफेशन है. और सबसे अहम जो स्टोरी है बुचर्स की स्टोरी है. तो वो भी आई डोंट नो इफ यू वांट टू गो इनटू दैट बट द पॉइंट इज कि हम बाहर से ना
बहुत शैलो जजमेंट मारते हैं। अगर हम गहराई से देखेंगे, हर इंसान की कुछ वैल्यूज है और उसमें अगर हम जा सकते हैं ना, तो एक रिस्पेक्ट आती है और उस रिस्पेक्ट से हमारी जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और उससे एक हमारे मन को शांति आती है। शायद आपको अपोज भी करना पड़े, लेकिन अंदर से शांति होती है कि हाँ, मुझे अंदर में, जैसे कृष्ण गीता में जो मेरे लेसन, जो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए है कि कृष्णा भगवान ने अर्जुन को कि यू शुड फाइट, हाउ शुड आई फाइट, फाइट लाइक अ योगी। व्हाट डज दैट मीन? योगी में नॉट अ ट्रेस ऑफ हेट्रेड। आप कर रहे हो ना ड्यूटी, लेकिन पर्सनल कुछ एनिमिटी नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ अपना, मेरा धर्म है ये, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एज ए वेर हूँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हम जब गुजरा जाते हैं, फाइट करते हैं, तो यू डोंट फाइट लाइक योगीज। ये पॉसिबिलिटी है, बट यू कैन ओनली फाइट लाइक ए योगी इफ यू रिस्पेक्ट लाइफ। इफ यू से कि नहीं, आपका लाइफ सीक्रेट है। उसी पे जैसे सामुराई का भी एग्जांपल दिया है मैंने, कि उनका क्या होता था, उनका लाइफ बहुत लिमिटेड किस्म में उस समय में था, कि अगर आपके मास्टर ने कहा कि ऑफ विद हिज हेड, यू कैन नॉट से आई एम फीलिंग नॉन वायलेंट टुडे, यू हैव टू टेक योर सॉर्ड एंड स्ट्राइक एंड फिनिश इट। एंड उसमें भी उन्होंने एक बगावत की। बगावत क्या था कि अगर हमने गलत एंगल से मारा तो इंसान को बहुत दर्द होता है। हम लाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे, इसलिए हमारा जो कट एंगल है वो एक डायगोनल होता था, वो बैम्बू से प्रैक्टिस करते थे। दे बिलीव्ड कि बैम्बू वाज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन है। तो वो एंगल जब तक परफेक्ट ना हो तो उनको ग्रेजुएट नहीं किया जाता था। और ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। ऐसा नहीं कि मैं सराहना दे रहा हूँ उनके प्रोफेशन का, तो मैं कह रहा हूँ कि उस लिमिटेशन में भी लाइफ को वैल्यू, फाउंड अ वे टू रिस्पेक्ट लाइफ, दैट इज इंस्पायरिंग। आप प्रोफेशन आप जो भी चुन लो, बट आप देखो आसपास में ना, इफ पीपल हैव रिस्पेक्टिंग लाइफ, इट इज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, कि दे फाउंड अ वे। आप भी इफ यू फील ट्रैप्ड, सो इट इज एन इन्विटेशन, मे बी देयर इज अ वे इन व्हिच यू कैन रिवेल एंड रिस्पेक्ट लाइफ व्हाइल एक्सेप्टिंग द रूल्स ऑफ योर प्रोफेशन। और ये बहुत बड़ी बात है कि तभी आर्ट बनती है। अगर आप कहोगे कि कैनवस में मैं नहीं पेंट करूंगा, मैं हवा में पेंट करूंगा, पेंटिंग ही नहीं बनेगी। अगर आप कहोगे कि भरतनाट्यम जो बनती है उसकी डांस मूवमेंट्स होती है, मैं वो नहीं मानूंगा, मैं कहीं भी हाथ पैर चलाऊँ, तो भरतनाट्यम नहीं हो पाएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मीडियम है उसकी लिमिट्स होती है। जब आप फुली एक्सेप्ट करोगे तभी आप उसको आर्ट बना पाओगे, कि देन यू कैन ट्रांसेंड द मीडियम एंड टेल अ गुड स्टोरी एंड हेल्प पीपल फील समथिंग। वो हमारा काम वही है, हम आर्ट बनाने आए। तो आपका काम आर्ट तभी बनेगा जब आप लिमिटेशन से झगड़ोगे नहीं, एक्सेप्ट करोगे और फिर पूछोगे कि मैं कौन हूँ, मैं लाइफ को कैसे रिस्पेक्ट कर सकता हूँ और मैं कैसे अलाइवनेस को स्प्रेड कर सकता हूँ, तब मजा आता है काम। तो व्हाट आर द टेक्निक्स टू मेंटेन अलाइवनेस? यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू कम अलाइव। ऑथेंटिकली यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैं यूनिक स्पेसिमेन हूँ, मेरा DNA जो है ऐसे चलता है और वो मेरे काम में क्या, तो मेरे फ्रेमवर्क जो है, आई हैव रिड्यूस्ड इट टू 3 things। एक है हार्ट, यानी कि आपकी दिल की जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी, वो क्या है। दूसरा है हैबिट, अनस्टॉपेबल एनर्जी, कि इस पे आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, ये आप आ जाते हो रूम पे ना तो ये एनर्जी आ जाती है। वो क्या है, जो कि आपके दोस्त बताएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये जानकारी होगी अगर आप उनसे पूछोगे। और तीसरी है, जो कि सबसे अहम बात है, वो हेड, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी। हेड इज द ओनली वन जिसमें आप कुछ कर सकते हो अपने एफर्ट्स। हार्ट हैज़ टू बी डिस्कवर्ड, वो है। हैबिट भी डिस्कवर करना है कि वो कंडीशनिंग से बहुत पुरानी कंडीशन, पता नहीं आपको याद भी नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन है। हेड आपकी साधना से बनी, कि ये हार्ट और हैबिट को अगर आपने रिस्पेक्ट किया तो आपने एक खुद के लिए एक प्रोफेशन बनाया, वो आपके लिए कस्टमाइज है और उसमें आप अपनी पूरी स्किल्स को एक साथ एक्सेप्ट कर पाओगे। सो ये जो मैपिंग जब बनती है तो लोग जो भी देखते हैं उन्हें अपनी अंतरात्मा की झलक मिलती है। तो बोलते कि चलो, लास्ट टाइम होता है कि आई टेल देम, आप पैट योरसेल्फ, कि अच्छा जो है, आप जो भी नाम देते हो, यू डन वेल। तो ये 3 values इंस्पायरिंग है, तो उनको एक भावना से पता लगता है कि ये हाँ, दिस इज ग्रेट, आई एम इंस्पायर्ड बाय माय ओन वैल्यूज। यानी कि ये किताब नहीं कह रही कि बाहर से आप वैल्यूज सुनो और आपके अंदर लाओ, ये उल्टी किताब है। ये कह रही है कि आपके अंदर है जो भी आपके वेलविशर्स हैं, इफ दे कैन ओनली क्वाइट डाउन और आपको एक गॉड की तरह देखे और ये निकाले जो आपके अंदर है, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। कि आप या तो खुद अपनी तरफ वो श्रद्धा लाओ और सुनो अपने आप को, या फिर वेलविशर्स को कहो कि आप इस तरीके से सुनिए, मुझे हेल्प कीजिए, मैं निकालना चाहता हूँ उसको। वो एक्सटर्नलाइज कीजिए आपकी वैल्यूज,
ये किताब है कि मुझे कहना कुछ नहीं, मुझे सुनना है आपको। आपकी बुक में ना एडम ईव की बात भी है। हाँ, सो व्हाट इज योर स्टोरी ऑफ एडम ईव? I'll tell you my story after that. तो Adam and Eve बहुत interesting story है। पर जैसे पूरी किताब में ना, मैंने एक secular humanist lens दिया है, यानी कि atheistic lens अगर आप सोच सकते हो कि आपको it's not disrespectful of religion, it is just saying कि मैं materialism के lens से सब कुछ देखूंगा with a lot of respect. तो मैं Adam and Eve की story देखता हूँ, तो it seems कि ये बहुत misunderstood story है। ये आप बहुत लोग हैं कि इसको लिटरली मानते हैं कि एक फ्रूट था, फ्रूट खाया तो ह्यूमंस फेल आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। लेकिन इसको गहराई पे जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये मिडिल ईस्ट के जो कम्युनिटी थी वो थे शेपर्ड्स, तो उनको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड में आप नहीं बात कर सकते, आपको सिंपल से समझाना है। तो क्या समझाया जा रहा था कि जो रियलिटी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो एक है, ठीक है। आपने उसको काटा, आपने कहा कि ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, दिस इज अ पॉट एंड दैट इज नॉट अ पॉट, ठीक है। तो ये है नहीं किसी, यू नो दिस नॉट रियल, दिस इज इन योर हेड नाउ। और फिर आप कहते हैं कि ये मेरा पॉट है, ये भी आपने बनाया, राइट। तो वो कहना क्या चाह रहे थे कि जैसे ही आपने ये भेदभाव करना शुरू किया, आपने रियलिटी को तोड़ दिया। ये बहुत क्रिश्चियंस बोलते हैं कि गलती है, ठीक है, गलती मान दी। बहुत कमाल का स्टोरी है कि आप इतनी सिंपल भाव से आपने इतनी प्रोफाउंड आइडिया बताया। ये इंडियन फिलोसफी में ना यही बात है। जूश जो है, क्रिश्चियनिटी तो जुडाइज्म से आती है। जुडाइज्म में वो कहते हैं कि देर इज अ ट्री ऑफ नॉलेज एंड देर इज अ ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ नॉलेज में चीज़ें बढ़ती है और ट्री ऑफ लाइफ से इंटीग्रेट होती है, आप लाइफ से जुड़ जाते हैं। आपको दोनों चाहिए। अगर गार्डन ऑफ ईडन बनाना है, आप एक से नहीं बना पाओगे। तो ये ऐसा, अगर आप सिर्फ नॉलेज करते हो तो वो रुखी हो जाती है, उससे आप गुमराह हो जाओगे। और उपनिषद से भी एक श्लोक है, अंधम तमः प्रविशन्ति, जो नॉलेज की तरफ, जो अज्ञान है वो डार्कनेस में है, लेकिन जो ज्ञान की तरफ है वो ज्यादा डार्कनेस में है। ये बहुत मिस्टीरियस श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? इसका सिर्फ एक ही अर्थ जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि हम चीजों को बांटते बांटते जा रहे हैं, हम रियलिटी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो तो है, जितना ज्यादा ज्ञान हमारे पास जाता है तो हम उतना रियलिटी से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्री ऑफ लाइफ से लाइफ से फिर से कनेक्ट करोगे तो आप बांटोगे अलग तरीके से, और उस बांटने का जो प्रक्रिया है उससे आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपको सेक्रेटनेस मिलेगा। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का बगावत, जो कि पोएम आई में आता है किताब में। आपने एक और लिखी हुई बुक में कि इफ यू कनेक्ट टू वन थिंग ऑफ द नेचर यू विल ऑटोमेटिकली बी कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन द नेचर, ऐसा कुछ मेंशन है एक लाइन। ये तो बहुत पुरानी ख्यालात है इंडियन सोच। तो मतलब मैं सोचता हूं कि जो हम सांस लेते हैं वो भी नेचर है। So that means you're always connected to nature. ये बहुत अजीब बात है। But we are not feeling that. See, here's the thing, right? आप तभी दूसरों की श्रद्धा कर पाओगे जब आप खुद की श्रद्धा कर पाओगे। लगे कि मैंने बहुत फाइट किया, मुझे कुछ अंदर दिखता है और महसूस होता है जो कि स्पेशल है। तभी आप दूसरों की स्पेशलिटी को मान पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑथेंटिकली अपने स्पेशलिटी को माने और देखें और इज्जत दें। ये बहुत, ये रियल है। ये आप जब तक हमारी कल्चर में कि मोक्ष प्राप्त हो गया तो सब ठीक है, कुछ नहीं, डिस्टिंक्शन डोंट मैटर, बट प्राप्त कर लिया तो वो बात कहना, जब तक प्राप्त नहीं किया तो आपकी असलियत क्या है कि कुछ तो है कंडीशनिंग, तो जो हम संस्कार कहते हैं, जो भी है। जो एकदम गहराई में जाओगे तो वो जो है वो आपकी कैनवस है, क्रिएटिव कैनवस। वो अगर आप मान लोगे तो आपसे आर्ट बनेगी, वो आर्ट बना पाओगे तब आप दूसरों की आर्ट की कदर कर सकते हो, और वो कदर एक अलग सी दुनिया बनाती है कि हम सब जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है विवेकानंद का मैसेज, वो इंटेलेक्चुअल नहीं, वो रियल बन जाएगी। पर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से खुद को रिस्पेक्ट, खुद को जानने की का प्रयास करना। मैं वापस आता हूँ एडम ईव वाली कहानी पे। सो इससे पहले पॉडकास्ट हम ख़त्म करें, मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ एडम ईव की कहानी क्या है। फिलोसफी ओके, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग रिलीजन में हैं, उससे अलग लोग मोटिवेशन थॉट्स भी निकालते हैं। बट मुझे कभी ऐसा लगता है कि ना एडम ईव क्या हुआ होगा, लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, हम मार्स पे कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लान क्या है नासा का कि वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक एक एक, एक पर्टिकुलर हट या क्या बोलेंगे उसको, एक बेस बनाएंगे जहाँ पे दे विल सेंड रोबोट्स और दे विल सेंड सम ह्यूमंस जो वहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करेंगे।
मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आज से कई 4.2 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ को किसी ने कहीं कोई दूसरे प्लैनेट के लोगों ने देखा, दे फाउंड कि यार ये प्लैनेट है जहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। सो नाउ उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा होगा चलो आओ मैं यहाँ पे एक ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस बनाता हूँ, उसके अंदर कुछ हम बेसिक एमिनिटीज रखते हैं, उसको हम पेड़ पौधे कह देते हैं कि हमने पूरा पेड़ पौधे लगा दिए, एंड दे सेंट टू रोबोट्स या टू ह्यूमन बींग्स, इसको हम एडम और ईव नाम दे दिए, और उन्होंने अंदर छोड़ दिया, एंड दे थॉट कि चलो उनको मॉनिटर करते हैं कि कैन दे सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर ग्लास बाउल। तो वो उसको नाम दिया ईडन गार्डन। अब उस ईडन गार्डन में दोनों सर्वाइव करने लगे, वो फ्रूट्स फ्रूट सब लेते थे, एवरीथिंग दे वुड हैव ईटन इनटू इट, और वो सर्वाइव करना सीख गए। अब वो सांप वाप की कहानी हो सकता है, दैट इज़ अ मिथ कर दिया, बट साइंस के पर्पज से उन्होंने जब देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दे कुड सर्वाइव इन दैट ग्लास बाउल, उस ईडन गार्डन में सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, दे आर हैबिचुअल टू दिस एनवायरमेंट, धीरे धीरे ऑक्सीजन दिया गया एंड दे फेल कि ना ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो वन डे दे सेड कि ओके नाउ दिस ग्लास बाउल विल बी रिमूव्ड, तो वो रिमूव कर दिया। जब वो रिमूव किया तो ऑब्वियसली दे आर इनटू द बैरन लैंड ऑफ अर्थ, तो जो हम कहते हैं ईडन गार्डन भगवान ने हटा दिया और उनको छोड़ दिया खुले पे, नाउ यू गो एंड स्ट्रगल। तो वहाँ से वो कहानी स्टार्ट हुई कि एडम ई, फिर दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड एंड ऑल दोज थिंग्स। मेरे दिमाग में ये स्टोरी चलती है कि एडम ईव के साथ शायद ये हुआ होगा, विच समय के साथ उस कहानी को मोल्ड होते होते वेरियस वैल्यूज वेरियस रिलीजन्स की थॉट प्रोसेस के साथ वो एक डिफरेंट स्टोरी बन गई। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तो जितना एवोल्यूशन से हमें पता चला है कि देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग मार्कर्स कि मंकी से कुछ दे स्टॉप्ड मूविंग ऑन ऑल फोर्स, स्टूड अप, लॉस्ट देयर टेल एंड वी इवॉल्व्ड। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग आर्क ऑफ टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि यू नो दीज अदर इंटरप्रिटेशन, इसकी साइंटिफिक वैलिडेशन वेरी हार्ड टू डू। सो जितना हमें साइंस से अभी पता चला है अब तक, एवोल्यूशन थियोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कि हम यहाँ पे बहुत इवॉल्व करते करते आए हैं। और अगर हम हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पुराण में लाइक दे वर ट्राइंग टू शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, फिश टॉरस जो भी है, करते करते मनुष्य बने। So it's hard to say. Like I think we have to still catch up to. Yeah. I think it's a what useful thing as a thought experiment. And today's thought experiment usually you know often becomes tomorrow's science. So we. मैंने एक जगह और कहीं पढ़ा था. There was some scientists who have done this research. They did some back calculation. उन्होंने कुछ thousands of DNAs pick करे and क्योंकि DNA हर बार with every evolution they keep on changing ना. तो उन्होंने उसकी back calculation की. And they tried to reach at the original DNA. So what they उन्होंने जो first simulation किया, I think they did on 1000 people or something. So that simulation said कि जो सबसे पहला DNA था, that was of Adam. And then Eve came about 4 lakh years after 4 lakh years. After 4 lakh years. Okay. So ये first test था. Then they thought कि उन्होंने इसमें ना और simulation करना चाहिए. So next time I think they took 1 lakh or 2 lakh of samples. So when they took that sample, so time period तो exact same आया, 4.2 billion जो भी वो time उसी time आया, but the first one was not Adam, that was Eve, and Adam came I think some only few years after that. So that was the interpretation कि अगर sample size बढ़ाते जाएं, so maybe that story will come true that they both were at the same time, या बहुत ही कम दिनों के अंतर पे ही they both were created. Yeah, no, I think I'll go back to my original comment. कि आई थिंक वॉट वी थिंक वी नो इज सो टाइनी कम्पेयर टू वट इज आउट देयर इट्स हम्बलिंग इट्स लाइक वी रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइक वी जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस एंड देन इट्स अस्टाउंडिंग उसी बात पे लेके वी गेट सो पोजिशनल एंड सो समटाइम्स अग्रेसिव अबाउट वॉट वी थिंक वी नो सो आई जस्ट फाइंड इट फैसिनेटिंग कि हमें कितना कम पता एंड मैं ऐसे थॉट प्रोसेस बहुत निकालता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, आई कीप ऑन थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। तो बट इट वॉज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और इस प्रॉपर पर हम बात करेंगे तो करते जाएंगे, मैं दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो बट थैंक्स अ लॉट फॉर बींग ऑन दिस शो एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल बुक। टू ऑल द ऑडियंस आई विल सजेस्ट प्लीज गो एंड बाय दिस बुक, दिस इज कॉल्ड इनवैल्यूएबल बुक, बट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल बुक आई हैव रेड इन द रिसेंट टाइम। बहुत इन्फॉर्मेशन है, it gives you lot of values and lot of thought process will come to your mind after reading this book. तो ज़रूर पढ़िए इस बुक को, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
go and buy this book. It's an amazing book, amazingly written book. So, sir, thanks a lot for being on this show, Books and Theories, and talking a lot about your most valuable book with the name Invaluable. Thank you, sir. Thank you so much. Anything you want to talk, say to the audience? I'll just say that this book is very counterculture, as we've been talking. It's written, it's deep, but it's also written with stories meant to interest us and entertain us and be thought-provoking. But the ultimate bottom line is your feelings are real. It's kind of interesting. When women read this book, they're like a chapter of science to show how you can track feelings. And I've got the feedback, and men love that chapter because they're like, oh my God, look, we're seeing something new. And women will say, what, you need data to believe feelings are real? Feelings are real. And we have not given enough importance to it. Feelings, of course, there's a lot of decision science which says feelings can misguide us. But I think the opposite is also true, that feelings, our deepest feelings, inspiring feelings, can guide us very powerfully to make well-rounded decisions. So this is a humble attempt to scratch a little bit of territory in that space. So I would wish ki aapke apne life mein, aapke apne kaam mein, aap apne values se jud jayein aur apne families, apne friends ki support ho aapke life mein, taki aap alive ho jayein. Aapke kaam mein ek life ki khushbu aaye. So ye wish main aapke liye rakhta hoon. Very, very nice message. Thank you, sir. Thank you for coming on this show of Books and Theories. Thank you, sir. Thank you.